जिला में कोरोना पॉजिटिव के अब तक कुल 109 मामले सामने आ चुके हैं तथा इनमें से 49 एक्टिव केस हैं, जबकि 59 पॉजिटिव नागरिक स्वस्थ हो चुके हैं तथा एक की मौत हो चुकी है। ये बात मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने अपने कार्यालय में जिला के ताजा घटनाक्रम को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पर IMCR की गाइडलाइन के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट को ध्यान में रखते हुए जिला में अपनी सैंपलिंग प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में कल शाम तक 9,218 लोगों की सैंपलिंग की जा चुकी है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिला के विभिन्न अस्पतालों में 20 स्थानों पर फ्लू कॉर्नर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फ्लू जैसे लक्षण दिखने पर फ्लू कॉर्नर में तुरंत चेकअप किया जा रहा है ताकि किसी भी स्तर पर कोरोना का संक्रमण नहीं फैल सके। उन्होंने कहा कि जिला में हॉटस्पॉट क्षेत्रों से आने वाले लोगों की 100% सैंपलिंग की जा रही है और बाहर के राज्यों से आने वाले अन्य लोगों की रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। CMO ने कहा कि जिला में 109 में से 107 मामलों में ये पाया गया है कि ये लोग बाहर से आए थे और इनकी ट्रेवल हिस्ट्री थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जिला में अधिक मात्रा में नेगेटिव मामले आने से ये साबित हो गया है कि अभी तक जिला कांगड़ा में कम्युनिटीज स्प्रेड नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 18 मार्च को जिला में पहला कोरोना पॉजिटिव केस आया था और लोग डरे हुए थे और पॉजिटिव परिवार से दूरी बना रहे थे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति से किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव ना करें। उन्होंने कहा कि समाज की सोच में समय के साथ बदलाव आया, लेकिन अभी इसमें और अधिक बदलाव की आवश्यकता है। मैं अपडेट करना चाहता था मीडिया के थ्रू आम जनता को कि अभी हमारा स्टेटस क्या है। अभी तक हमारे जिला में 109 कंफर्म केसेस हैं कल शाम तक। इसमें से खुशी की अच्छी बात ये है कि एक्टिव केसेस सिर्फ 49 हैं। 59 लोग जो हैं वो स्वस्थ होकर अपने घरों में चले गए हैं। अनफॉर्चुनेटली एक आदमी की डेथ हो। ये नंबर्स जो हैं ये भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं ICMR की, उसके मुताबिक जो कॉर्नर स्टोन ऑफ टैकलिंग COVID-19 पैंडेमिक इज कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट, हमने इस को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सैंपलिंग प्रक्रिया सुदृढ़ की है। जिला में कल शाम तक हमने जिला में 9,217 लोगों का जो था वो सैंपल्स कलेक्ट किए थे, जिसमें 109 को छोड़ के बाकी सारे सैंपल्स नेगेटिव पाए गए। इसी व्यवस्था के अंतर्गत हमने जिला के विभिन्न अस्पतालों में 20 जगह पे जो है वो फ्लू कॉर्नर स्थापित किए हैं, जहाँ रेगुलरली कोई भी ILI का केस आता है उसकी सैंपलिंग की जाती है। जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहाँ से जितने लोग आ रहे हैं उनकी सैंपलिंग 100% की जा रही है, और जो दूसरे एरिया से बाहर की स्टेट से आ रहे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। इसी के मद्देनज़र जो है, और हमने 109 केसेस में ये पाया है कि 107 केसेस में जो थे उनकी पॉजिटिव ट्रैवल हिस्ट्री थी, वो बाहर से लोग आए थे, 2 रोगियों को छोड़ गए, और जो हमने नेगेटिव टेस्ट इतने सारे पाए हैं उससे मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि अभी तक कम्युनिटी स्प्रेड जैसा कोई एविडेंस हमें अपने जिला में नहीं मिला। शुरुआत में जैसे हमारे जिला में प्रदेश का पहला केस आया था 18 मार्च को, उस वक्त जो थी लोग डरे हुए थे, वो उस परिवार या उस रोगी के आसपास भी नहीं जाना चाहते थे, पर जैसे आंकड़े अब सार्वजनिक किए गए हैं बड़े सारे 90% 85-90% लोगों में ये माइल्ड इलनेस है, वो भी इस समाज का ही अंग है जिसको ये रोग होता है, तो उसको बहिष्कार करके या उसका तिरस्कार करने से किसी का कोई फायदा नहीं है। और मैंने 2-3 महीने के अपने एक्सपीरियंस में ये भी पाया है कि समाज का दृष्टिकोण भी में भी बदलाव आ रहा है, पर और बहुत ज़्यादा बदलाव आवश्यक है। उस रोगी को सहयोग की आवश्यकता है, उसका तिरस्कार या उसका बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए।